कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. व्हाट आर द गुड, विच गुड्स आर ट्रीटेड एज कंजम्पशन गुड्स एंड विच गुड्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स, है ना. इंटरमीडिएट और फाइनल अलग है, फाइनल और इंटरमीडिएट अलग है. अभी एक कंजम्पशन और कैपिटल की हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात करें, कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, चलिए बताइए. कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या है? हाँ, दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दीज आर द कंजम्पशन गुड्स और सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, दीज आर द कैपिटल गुड्स. कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको कि इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करती है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है, शर्ट की ज़रूरत है, जैकेट्स की ज़रूरत है, ब्लेजर्स की ज़रूरत है. तो शर्ट, ब्लेजर, जैकेट्स, ये जो हैं, ये क्या, ये डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. मीन्स आपको ठंडक लग रही है, ठंडक से बचना है, जैकेट चाहिए, जैकेट आपने परचेज की, आपने उसका कंजम्पशन किया, ये आपको इसने डायरेक्टली क्या किया, आपकी एक वांट को सेटिस्फाई किया. तो जैकेट, ब्लेजर, ये जो है, ये क्या हो जाएंगी, आपकी कंजम्पशन गुड्स. अब इन जैकेट, ब्लेजर्स को बनाने के लिए जिन मशीनों का यूटिलाइजेशन किया गया है वो क्या कहलाएंगी, वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगी. क्योंकि इनडायरेक्टली उस जैकेट को बनाने के लिए, उस ब्लेजर को बनाने के लिए मशीनों का यूटिलाइजेशन हमने किया, उन मशीनों की वजह से इनडायरेक्टली मशीनों ने आपकी वांट को सेटिस्फाई किया, उस जैकेट को प्रिपेयर करके, उस जैकेट को कंप्लीट करके, बना करके, है ना. तो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई किया, ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल गुड्स कहलाएगा, ठीक है. तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या है कि कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स, और कंजम्पशन गुड्स आर, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन. द नेक्स्ट वन इज, दिस इज डायरेक्ट डिमांड. कंजम्पशन डिमांड हैज डायरेक्ट डिमांड एंड इट हैज डेराइव्ड डिमांड. डेराइव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेराइव्ड डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड? डायरेक्ट डिमांड मींस जिसकी डिमांड कंज्यूमर अपनी किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली करता है. जैसे मान लीजिए मुझे ठंड लग रही है, मुझे जैकेट चाहिए, मैंने डायरेक्टली जैकेट की डिमांड की, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट डिमांड. मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी की डिमांड की, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, ठीक है. मुझे खाना खाना है, मैंने ब्रेड की डिमांड की, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, ठीक है. अब अगर मान लीजिए मुझे ठंड लग रही है तो मुझे जैकेट चाहिए, ठंडक का मौसम अभी आ गया, अभी सर्दी आ गई, तो सर्दी में जितने जो ठंडक लग रही है तो लोग जो जैकेट की डिमांड कर रहे हैं, जो ब्लेजर की डिमांड कर रहे हैं, स्वेटर्स की डिमांड कर रहे हैं, रजाई की डिमांड कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स की डिमांड कर रहे हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए अब किसकी डिमांड बढ़ेगी, मशीनरीज की. जैकेट की अगर डिमांड बढ़ी तो जैकेट बनाने वाले मशीनरीज की डिमांड बढ़ेगी, अगर ब्लेजर की डिमांड बढ़ी तो ब्लेजर बनाने वाली मशीनों की डिमांड बढ़ेगी, ब्लैंकेट की डिमांड बढ़ी तो ब्लैंकेट बनाने वाले मशीनों की डिमांड बढ़ेगी. तो जो मशीनों की जो डिमांड है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये डेराइव्ड डिमांड कहलाएगी. ये कहीं से डिमांड क्या हुई है, निकाली गई है. कहाँ से निकाली गई है, डायरेक्ट जो डिमांड हुई, उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, उस वांट को, यहाँ पर उन जो कैपिटल, उससे रिलेटेड कैपिटल गुड्स हैं, उसकी डिमांड हुई. तो ये आपका कहलाएगा डेराइव्ड डिमांड. और ये जो हैं कंजम्पशन गुड्स जो हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती हैं, दे डू नॉट प्रमोट ये कभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती हैं, और ये प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी. ये जो है, जो कंजम्पशन गुड्स हैं, ये कभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती. क्यों नहीं बढ़ाती,
क्योंकि जैसे इनको लिया गया वैसे का वैसे कंज्यूम कर लिया गया, ये कहीं भी इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरीके की कोई काम नहीं किया गया। लेकिन जो मशीनें होती हैं ये प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, इसलिए ये जो है जो कैपिटल गुड्स होती हैं प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करती हैं, बढ़ाती हैं। लेकिन जो कंजम्पशन गुड्स हैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को कहीं से भी क्या करती हैं, प्रमोट नहीं करती हैं। और जो लास्ट है इसका कौन, हाँ इनडायरेक्टली प्रमोट करती है। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए कि हमने जैकेट की डिमांड की, तो जैकेट की डिमांड ने कोई जैकेट के बाद कोई प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया ना, नहीं बढ़ाया। लेकिन जैकेट की डिमांड ने यहां पर प्रोडक्शन कराया जैकेट का, जैकेट की जब डिमांड बढ़ी उससे रिलेटेड मशीनरी परचेज की गई और उस मशीनरीज ने उसकी डिमांड बढ़ाई, तो यहाँ उसने प्रोडक्शन को प्रमोट किया, प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यहाँ तो डिमांड जो हमने परचेज किया है उसको एज इट इज़ हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम इन द सेंस हमने उसको यूज कर लिया। और जो लास्ट है वो ये है कि ये जो है जो आपकी कंजम्पशन गुड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये कंजम्पशन गुड्स की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है ना, ये लिमिटेड लाइफ होती है इनकी, ये क्या है, ये लिमिटेड लाइफ के होते हैं। जो ड्यूरेबल सम कुछ ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ करके ये इनकी जनरली जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं इनकी लिमिटेड लाइफ होती है, 2 दिन 4 दिन 1-1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। और जो कैपिटल गुड्स होती हैं इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, जैसे मशीनरीज वगैरह होती हैं इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है कि कोई मशीनरी है वो 10 दिन चलेगी, वो सॉरी 10 साल चलेगी कि 5 साल चलेगी कि 20 साल चलेगी कि 15 साल चलेगी कि 8 साल चलेगी, मतलब इनका मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स जो है जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं। तो ये 3-4 आपके डिफरेंसेज हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के। कंजम्पशन गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, देन कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव डायरेक्ट डिमांड, एंड द कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव डिराइव्ड डिमांड। कंजम्पशन गुड्स डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड द कैपिटल गुड्स प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड लाइफ, एंड द कैपिटल गुड्स हैव एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन, जनरली मोर देन 1 ईयर। ठीक है।